सेल्फी स्टिक ले आती। यही पीछे अभी जो है वो आगे चल के आपको दिखाते हैं, मतलब सारा कुछ। आ जाओ तैयबा, आ जाओ इधर से। अंदर चलते हैं। क्या हुआ, तुम टेंशन ले रही हो है? हाथ हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ और ये बहुत प्यारा इसके साथ सीन कैप्चर हो रहा था। और अभी जब हमें अंदर जाने की प्लानिंग कर रही हूँ तो बस भाई को ढूंढ रहे हैं, वही मुझे अंदर गुजरने की इजाजत देंगे। चले मम्मा, भाई हमें मिल जाए फिर ये अंदर जाके आराम। ओ आगे भाई, हेलो, क्या हाल है? तो इन भाई की हमें तलाश थी जो हमें मिल गए गेंद। तो भाई जो है उन्होंने अंदर जाने की इजाजत, मतलब वो लेके दे रहे हैं, क्योंकि मैं जिन भाई की तलाश में थी वो हमें मिल गए हैं। तो अभी मैं जाऊंगी अंदर यूट्यूब के लिए स्पेशल। अभी जाऊंगी नहीं, अभी मिल गई इजाजत। तो भाई को दिखाओ जिन्होंने मुझे अंदर जाने की इजाजत दी। ये भाई हैं, इन्होंने इजाजत दी है। अच्छा, वो आगे हैं, मैं उनको अंदर जाके दिखाती हूँ जिन्होंने मुझे इजाजत दी है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, दिखाओ जूता उतारे ना। ठीक है चलो, ये सारा बनाओ ना रिबा प्रॉपर। अभी जो है जूता उतार कर मैं, तुम्हारा जूता मुझे उठाना पड़ेगा, इसका मतलब जूता तुम पकड़ लगा रहे हो। पीछे हो, पीछे जाके सारा दिखाओ ना रिबा। चलो यार, सारी मार्केट आप इजी मॉल है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच भाई। चलो खास है ना, अपने खास है ना, तीन खड़े आ। हाँ ठीक है, मैं सबको दिखाती हूँ। मतलब ये जो सब कुछ है इन्होंने क्रिएट किया है, मतलब सब कुछ इन्होंने बनाया है। और ये भाई हैं जिन्होंने मुझे इनसे इजाजत लेके दी है। मैं मतलब सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हर दफा मतलब मुझे अंदर आने की इजाजत लेके देते हैं ये वाले मेरे भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जी, इन सबको मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। अंदर तो आ गए, ये लाइट बनाते रहो। एक सेकंड, लाइट बंद हो गई है एकदम। तो चलो ना मैं सारा मतलब दिखाती हूँ। ये लो, अभी समझ नहीं आ रही कौन सी चीज पहले दिखाऊं। बहुत ही ज्यादा इन्होंने यहाँ पे मेहनत की है। तो अभी जो है भाई ने मुझे अंदर आने की इजाजत दी, तो वहाँ पे सब मेरी मतलब फैमिली खड़ी है। बाकी जो है वो झूले लेने गए, तो मैंने सब कुछ छोड़ के मतलब मैंने कहा कि अंदर जाने की जब इजाजत मिली है तो हर चीज को मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी आगे बढ़ती हूँ, आपको एक एक करके सब कुछ दिखाती हूँ। व्लॉग को जो है वो एंड तक आपने देखना है, और बेल आइकन की बेल भी दबानी है सब्सक्राइब करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी जो है मैं जा रही हूँ काबा के पास। तो मतलब जैसे जैसे जाते हैं ना, वैसे वैसे ये फील होता है, जैसे ना मतलब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मतलब देखिए मुझे इजाजत मिली है, इतना करीब से आपको दिखा रही हूँ, मेरी इतनी मेहनत है, तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। ये सारे इनके हैंडमेड है, मतलब जो भी इन्होंने बनाया है सारा अपने हाथों से बनाया है। और अभी आपको काबा दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह,
भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने म्यूजिक भी बंद कर दिया और नीचे ये सवार टाइप मतलब कुछ इन्होंने रखा हुआ है ये इस तरह से, मतलब इनको कलर किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सब दिखाती हूँ। मेरी खुशी की तो बहुत मैं कहती इंतहा नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर आने की इजाज़त दी है। इजहार इश्क से तो खुदा भी न रह सका, तारीफ हुस्न मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया। समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या दिखाऊं और क्या नहीं दिखाऊं। तो यहाँ पे जो है वो मीनारे पाकिस्तान बनाया हुआ, जो कि इतना प्यारा इसका व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इनकी मेहनत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, देखने से नज़र आ रही है कि मतलब जहाँ पे भी कुछ बनाया वहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ये देखें हर चीज़ को अगर गहराई से जाके देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही मज़े वाली। तो ये यहाँ पे ट्रैफिक है इतनी सारी, और ये इनका हैंडमेड ट्रैक्टर बना हुआ है, मतलब विलेज में है ना, तो ये सबसे ज़्यादा जो औसम चीज़ है यहाँ की, मतलब अट्रैक्ट करती है, वो ये वाली चीज़ है। तो अभी मीनारे पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो ये मैं मतलब खुद भी इसके साथ बनाती हूँ। ये देखें अभी इसके सामने खड़ी हूँ मैं, थोड़ा सा इधर को जाके बनाते हैं। मेरी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही अंदर तो चली गई हूँ, लेकिन खुद ही अपनी बना रही हूँ। तो ये सीन है इधर का। अभी ये साइकिल तो रह गई। तो ये देखिए ये जो है ये फोम की बनाई हुई है, बहुत ही मेहनत करते हैं ये सब लोग, मतलब मैं वो सब दिखाऊंगी जिनकी ये सारी मेहनत है, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे बनाया है ये सब कुछ। हम तो इतने बड़े इंसान और ये इतनी बड़ी साइकिल पे एक पिद्दा सा बैठा हुआ है। हंसी आ गई मुझे हंसी। चलो खैर कोई नहीं, अब ये काबा देख के मेरी मतलब जो खुशी है उसकी इंतहा हो रही है। भाई मैंने ये खुद बनाया तो ये भी अंदर आना चाहिए, और ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करे। सबसे जो मेन वो वाली है, ये जो मतलब लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और अभी क्या रह गया, बहुत कुछ रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी आपियाँ तो सब चली गई हैं, उन्होंने झूले वगैरह लेने हैं, मेरी किस्मत में नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे ये हाउस बनाया हुआ है। अगर मेरी वीडियो मेरी दोस्त मीनाहिल देख रही है तो मीनाहिल देखो ये कितना प्यारा है तुम्हारे लिए, उन्होंने डोल वाला हाउस बनाया है। तुम बहुत मतलब इन चीज़ों को लाइक करती हो ना। तो ये इनकी विंडो, ये देखो ऊपर भी, ये है मीनाहिल का घर, उसके ऊपर जो है मेरा है, फिर नूर का आ रहा है, और उससे ऊपर ये टैंकी में आयशा रहती है। जैसा भी है मैंने सबको याद किया आज, माशाल्लाह। मैं किधर पहुंची हुई थी, बैग पे। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इनकी। तो ये हाउस भी मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसकी गहराई में जाना है। और घर के बाहर जो है वो ये हमारे बैठने के लिए लॉन भी बना हुआ है, मेरी सारी बेस्टीज के लिए, यहाँ पे बैठ के हम बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये हमारी एक छोटी सी माँ जो कि अंदर है, और ये देखे कितना प्यारा है। मैं खोलती हूँ, सब करती हूँ। ये हमारा पूरा होम, और अभी मैं इसका टूर करवाती हूँ। ये इससे टेप लगी हुई है, टेप लगी हुई नहीं खुलता ये, इसके अंदर जो है वो इनका पूरा सिस्टम किया हुआ है, और ये बाहर जो सिस्टम को खराब करे उसे रोकने के लिए खड़ा है, मतलब गार्ड। और ये ऊपर इन्होंने लगाई हुई है ट्यूब, और इसे आग, इसे भाई जलाना कब है आपने? जलाना नहीं है इसे, पता है डिजाइन बनाया, आप जलाएंगे। आई नो। <आगा यार आगा। laughs>
वाओ यहाँ पे काबा भी बना हुआ है माशाल्लाह। तो जी ये सबसे ऊपर जो यहाँ की हिफाजत कर रहा है पूरे घर की माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी क्रिएशन जो है वो इनकी है माशाल्लाह से। बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई आप। किस किस ने किया ये सारा कुछ, किसने किया? मैंने सही पिछली दफा तो मतलब यहाँ पे नाते वगैरह लगी हुई थी, इस वजह से आपकी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तो आज बताए मतलब जब लोग देखे ये इतने सारे लोग जो है, अभी दिखाती हूँ एक दफा घूम के, मतलब ये जितने भी लोग है ना ये इनकी बनाई हुई चीज़ों को देखने के लिए आए। मतलब इतना इन्होंने सबको एंटरटेन किया और मतलब इतनी खुशी की बात है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात कि ये काबा इन्होंने यहाँ पे बनाया। मतलब कि जो लोग नहीं भी जा सकते ना यहाँ पे आके जब देखते ना तो वही एक्सप्रेशन पैदा होते हैं। तो मैं अभी भाई से पूछती हूँ। अभी जो है वो भाई थोड़ा सा बिजी मतलब कॉल पे, और मैं थोड़ा सा भाई का इंटरव्यू लेती हूँ। मतलब उनको कैसा फील होता है जब लोग यहाँ पे आते हैं, इतना खुश उनको देखते हैं, और कैसे उन्होंने अपने हाथों से ये इतनी मेहनत की है। तो ये भाई सामने खड़े हैं, मैं इनसे पूछती हूँ। अभी उनके और भी फ्रेंड्स आ जाए मतलब जिन्होंने ये मिलके सब कुछ किया है। मतलब ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, और इन सब लोगों ने हर दफ़ा ये इस विलेज में मतलब सबको अच्छा आ गए। तो भाई बताएं आपको कितनी खुशी होती है जब यहाँ के लोग आते हैं और माने तो इतनी खुशी है जितना जो जिसकी कोई हद ही नहीं। कैसे मतलब आप इतनी गहराई में जा के आपने ये सब कुछ बनाया और ये लाइटिंग वगैरह की? तकरीबन दो तीन माह दिन को काम करते थे, रात को आके एक दो बजे तक जागते हैं और फिर चीजें बनाते हैं, एक दो बजे के बाद सोते हैं। तो भाई जो है वो कह रहे हैं कि वो रात को तीन चार बजे तक जागते हैं। और मतलब गाँव में सबसे आप यहाँ पे मतलब कब आ जाते हैं? तकरीबन दो महीने यही गाँव के रहे। तो रहते तो गाँव में ही है लेकिन मतलब दो तीन महीने पहले ही जश्न ईद मिलादुल नबी से ये अपनी यहाँ की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, और फिर आफ्टर मतलब थ्री मंथ ये जो है वो सब कुछ डेकोरेट कर देते हैं और फिर यहाँ पे हैं, और इस तरह से आके मतलब इतना ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पे सब कुछ देख के। वाओ माशाल्लाह से मतलब एक दिन में ये सब कुछ इन्होंने डेकोरेट किया है। सामान पहले बना लेते हैं, पहले लेते हैं डेकोरेशन एक दिन के लिए, एक दिन में सारा कुछ कर। अच्छा यहाँ पे वो ट्रैक्टर है तो मैंने देखा, यहाँ पे नहीं है वो, किधर है वो? वो ये वाला नहीं है, मैंने कहीं आगे देखा है, वो पहले इधर था स्पंच वाला, इधर कहीं था वो अकेला स्पंच वाला था। अच्छा तो वो उधर बड़ी मस्जिद चौक में? हाँ उधर मैं देख के आई हूँ, तो मैंने कहा कि ये तो वही पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग इधर मिले। नहीं नहीं हम वो हमारा नहीं। तो आप कहेंगे नहीं कि आप ही के चैनल का सब्सक्राइब करें? क्यों नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, आप जो भी आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिल्कुल मेरे भाइयों ने इतनी मेहनत की है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने मुझे इजाजत दी है जस्ट आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे नहीं। मेरे चैनल का नेम है तैबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग्स। यस आप राइट कर लो ना, पिछले दफा हम चेक करते हैं। आपने चैनल का नहीं पूछा? भाई से पूछा तो वो कहता था वाले। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं जस्ट मैं यूट्यूब पे देती हूँ। तो भाई ये सब कुछ मतलब जितना कुछ भी बना है इसका ऑल क्रेडिट जाता है मेरे इन भाइयों को, मतलब ये जो दो ब्लैक शर्ट्स वाले हैं इन्होंने ये सारी मेहनत की है। मतलब इनको लगता ज्यादा प्यार है हमारे नबी से। क्यों भाई ठीक कहा है ना मैंने? जी जी हम तो जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं अगर। लेकिन आवाज़ इतनी आहिस्ते है आपकी, जान कुर्बान करें इतना बोलते हैं, इतना डर के बोल बोल के नारे लगा लगा के आवाज गला खराब हो गया। तो सब लोग एक एक लाइन ही बोल रहे अपने नबी के लिए, अब सब चुप कर जाएंगे मुझे पता है, कोई भी नहीं बोलेगा। नारा ला दो फिर, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे सारे भाइयों ने मतलब काफी साथ दिया अपनी सिस्टर का, थैंक यू सो मच भाई। तो नेम लिख लिया भाई? तो यहाँ पे मेरे सारे भाइयों ने काफी मतलब इंटरटेन किया। अरे
मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शुगल मेला लगा लिया। मैंने कहा चलो क्यों ना कि सब आए, एंटरटेन भी इनको किया जाए। एंटरटेन आप कोई और मत समझिएगा, मतलब मेरी बात को मजाक मत बना लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब यहाँ पे सब आए हैं, उनका दिल जो है ना वो एक चीज को देख के मतलब इतना खुश, मेरे जो एक्सप्रेशन है, मेरे जो तासुरात है ना, वो मतलब अल्लाह की तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। इतना प्यारा, ये मैं सामने खड़ी हूँ, मेरा मतलब रोने वाला मूव है कि मेरा दिल करता है, मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा है जैसे वाकई मैं अपने काबे के पास खड़ी हूँ, अपने अल्लाह के पास खड़ी हूँ, और दिल करता है जो दुआ मांगूँ मेरी पूरी हो जाएगी। मतलब जब मैं इतना सोच रही हूँ तो मेरी इंशाल्लाह पूरी होगी। वैसे भी अल्लाह को सब्र बहुत पसंद है, और मुझे पता है मेरा अल्लाह आजमाइश से मतलब पहले डालता है आजमाइश में और फिर निकालता भी वही, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। और ये जो चीज़ है सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली, ये मतलब फेवरेट है मेरी। अभी वो मेरे सारे भाई जिन्होंने नारे लगाए हैं, मैं ना अदब है ना करीना ना बसीरत ना शऊर, दिल लरस जाता है मोहम्मद की सना से पहले। भाई आगे जिन्होंने मतलब ये सारा इतनी मेहनत की है, क्या लाइव निकाल के ना यहाँ पे भाई सिग्नल एच प्लस आते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलता है। आ गया मेरा चैनल, ये मेरा चैनल तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग्स, मैं इसे सब्सक्राइब कर देती हूँ। और मतलब आपके पास मेरी सारी वीडियो आएंगी, जो मैं ये अपलोड करूंगी ना जश्न ईद मिलादुल नबी की, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये वाला देख सकते हैं। हाँ ये वाला, इसे सब्सक्राइब कर दो और ऑल बेल आइकन, फिर वो हर वीडियो आपके पास आएगी। ये ले भाई, थैंक यू। पिछली वाली तब जो मास्क लगा के वीडियो बनाती थी, वो भी आपको मिल जाएगी, वो सबसे नीचे होगी। जब इधर लाए मैं आपको दिखाऊं, ठीक है? फुल बना लो लेकर फिर ऐसे चल के लाएंगे। ठीक है भाई, अभी मैं इनको मतलब सब लोग जो अंदर आ रहे हैं तो उन्होंने फिर वीडियो अपनी देखनी भी है, तो मैं उनको दिखा दूं। कहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है जी? ये हमारे मुझसे साहब, इनकी दुआओं का ये सब कुछ इन्हीं का दिल लगी कर रहे हैं। चले बहुत अच्छी बात है, मतलब इस नेक काम में सबने हिस्सा लिया, तो महावरपुर से चल के इधर आए देखने के लिए, हम अपने नबी को राजी करें, क्योंकि हमारे नबी जो है वो आखिरत में भी हमारी सलामती के लिए दुआ कर रहे होंगे, तो इसीलिए फिर उनकी उम्मत का तो किया कि हम उनके लिए इतना कुछ करें। मेहनत जो है वो मेरी इन सब भाइयों की, और दिखा मैं रही हूँ तो देखो यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाया हुआ। जी भाई, अपनी फैमिली बैठी है, आप सब फिर साइड पे हो, मैं उनकी बनाती हूँ, तो इनकी जो है वो सारी फैमिली इधर बैठी हुई है, मतलब जिनकी ये मेहनत है, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, मैं सबको दिखाती हूँ। तो ये है सब मतलब इनकी फैमिली जी, आप बताएं ना कि मतलब सारा कुछ बताएं, वीडियो बन रही है। इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद से। तो ये इस्लामाबाद से यहाँ पे आए हैं, मतलब ये सारी क्रिएशन इन्होंने करवाई है। ओके, मतलब ये ओनर है हमारे, मतलब ये सारे मेंटेन जो जिन्होंने भी किया है, ये सब कुछ इनकी बदौलत हुआ है, मतलब ठीक है। तो मेरी वीडियो YouTube पे आएगी, आपने भी देखनी है जी। सब आ रहे हैं अंदर, सही, मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब मेरी वीडियो में आ रहे हैं। ये देखें मेरे भाई सारे मेरे पास हैं, और मेरे YouTube के चैनल का भी पूछा था, तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग, मैंने सबको बताया है। तो ये ओनर है यहाँ के, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, ये दोनों, मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन फिर भी वो भाई कह रहे हैं तो मैं सबकी बना रही हूँ। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मतलब आपने मुझे अंदर जाने की इजाजत दी और मैं वीडियो बना रही हूँ। आज भी पहले भी आई थी, तब भी मैंने बनाई थी। कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे मर्जी बोले, पंजाबी बोलो, सारे जितना मर्जी बोलो, थोड़ा सा ऊंची आवाज में। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हम लोगों में ये जो जोश जज्बा है, ये सारी जिंदगी ऐसे ही कायम रहे इंशाल्लाह, ऐसे ही ये जज्बा रहना।
होना चाहिए। गलियां मोहल्ले से जाते रहे, इसी काम में कोशिश रहे, हमारी ये कोशिश है। तो ये आप दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी मतलब संवार रहे हैं, तो बहुत ये नेकी जो है ना वो आखिरत में आपके काम आएगी। ये सारी दुनिया आपकी मेहनत को देखने आती है। जिन बच्चों ने ये मेहनत की है जी, दो तीन महीने लगाकर ये चीजें बनाकर हुजूर पाक के लिए, हुजूर पाक की आमद की खुशी में ये सब किया, अल्लाह ताला इसकी बदौलत उनको नेक हदायत दे और उनको बुलंद दर्जा अता करे। हमारे नबी भी देख रहे होंगे कि उनकी उम्मत उनके लिए क्या कर रही है, आगे से आगे ले जाए और इससे आमीन और करने की तौफीक। आमीन आमीन सुम आमीन। और मेरे चैनल के बारे में नहीं कुछ कहेंगे कि सब्सक्राइब करें? आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे गए दिए गए घंटी के निशान को दबाना जी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग्स। तो अभी ये मतलब मेरी मम्मा मुझे बुला रही, मम्मा ने डांटना है कि मतलब तुमने इतना मेला लगा के यहाँ पे खड़ी होगी। पापा डांटते होते हैं ना, इस वजह से मेरी मम्मा को टेंशन है। अच्छा अभी ये तो मैंने दिखाई नहीं है, ये भी दिखा दो। मतलब यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं, मतलब जिन्होंने ये सारी मेहनत की है वो सब भाई अंदर आए हैं और उनमें जो जज्बा है ना वो मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए। जी भाई हो गया ओके। आप यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं? सबका सपोर्ट सही है, ये मेरी सरपरस्ती में सारा काम हुआ है, मैंने ठीक है किया भी है। ऐसे ही करता रहूंगा, करता रहूंगा भाइयों से, छोटे भाइयों से। थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे तो आवाज आएगी। ये आपका कौन सा चैनल है? मेरा चैनल है तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी क्या आप पूछ रहे थे कुछ? चैनल का मेरा नेम है तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग्स। ठीक है, बस मैं कह रहा था कि तमाम जो है आपके ध्यान में लगी हुई है। तो ये इनके सारे ग्रुप के आ रहे हैं भाई, जिन्होंने ये सारी मेहनत की। मुझे मम्मा के मैसेज आ रहे हैं कि तैयबा किधर है, तैयबा किधर है। भाई गुड, आप में बहुत जज्बा है, जो आपने इतनी मेहनत की है कि एक चीज के लिए बहुत टाइम लगता है। नहीं आपने देख, ये मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ, वो चरखा उधर पुराने मॉडल का जो है। ओके किधर लिखा हुआ है फैसल मस्जिद? तो ये देखिए ये फैसल मस्जिद है और ये है हमारा ताजमहल, और इधर लिखा भी हुआ है मतलब देखने वालों को पता चले क्योंकि इस साइड पे सब देख रहे हैं। मैं लोगों को मुतवज्जा नहीं कर रही, वो जैसे मर्जी हो कोई बात नहीं। मैं मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्ट गिर जाए तो हम वो जाते नहीं अंदर उसको उठाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार है अपनी बहन के लिए। थैंक यू जी। नहीं आप मुझे बताए ना कि ये क्या क्या है। वाओ वो कितना प्यारा, भी मैं आगे जाती हूँ, मैं रास्ते में तो बिजी हो जाती हूँ मतलब चलती चलती। तो मेरी बहनें सारी गई हुई हैं मतलब झूले वगैरह लेने और मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। तो ये वाओ ये देखें, ये रियल मतलब रियलाइज हो रहा है कि रियल है। और ये विलेज की देसी चीजें मतलब माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। इसे उठा लूं? ये दूध काटना, दूध इसको काटा जाता है। ऐसे ऐसे उधर किधर लगा है? मैं उसे दाया यार, मुझे भी कैसे तो मैं बुला रहा हूँ। और ये ठीक है, आधे काटे क्या करना है? वाला भाई सुबह चलो आइस्ता आइस्ता आगे आगे चलो।
ये ऊपर उठा ले, ऊपर उठा ले, ऊपर बडोली। हाँ, इसमें गंदा भी डालते हैं, गंदा मृग डालते हैं, ये वो जिसे पड़ोला कहते हैं। हाँ हाँ, काम करो, यहाँ बडोली कहते हैं, हमारे पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसमें दाने डालने वाले बोलते हैं। हाँ, तो भाई बता रहे हैं इसमें दाने डालते हैं। कौन सा? हाँ, ये जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहने ना, ये सारी क्रिएशन इनकी है, मतलब भाइयों ने बहुत मेहनत की है जी भाई। तो ये जो मैं दिखा रही थी उठा के, ये क्या है? ये दूध उबाइल करने वाला है, और ये है वो जिसमें दाने डालते हैं, इसका क्या अंदर से दिखाना। और ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली, ये क्या है? फवारा बनाया हुआ है इस तरह से, ये देखें, ये मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ये वाला। तो ये जो है ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारा बना है। और अभी आते हैं इधर, तो ये क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? क्या सूतर कटाई? अच्छा, पता नहीं क्या सूतर और क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो ये है चरखा जिसके पास में आ गई, और यहाँ पे इतना प्यारा इसका पानी आ रहा है, मेरे पाँव पे पड़ा है, इतना ठंडा ठंडा। वाह, और ये चरखा करता जा रहा है। भाई जस्ट 2 मिनट वेट। और ये जो है ये चरखा का आते हैं। और ये मेरे पाँव भी गीले हो रहे हैं पीछे यहाँ टोर के। और ये जो है ये यहाँ पे फवारे वाला सिस्टम किया पीछे बैठो और फिर क्या क्या पीछे। अभी सारा कुछ हो गया, बस ये लास्ट है यहाँ पे फवारा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है जी भाई। बाबा जी से एक सवाल करना है आपको। मैं इनका, आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करें। तो अभी जो है वो जो इन सब भाइयों के मुर्शिद हैं, बात मैं करता हूँ, मैं हाँ, मुर्शिद हूँ जी, वो आपको मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको, मतलब जो इनकी सारी क्रिएशन जिन्होंने करवाई है, मतलब जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, मैं उन सब से आपको मिलवा रही हूँ, बाकी सबको छोड़। मैं इनका मुर्शिद हूँ। आपने ऊंची बोलना है आवाज़। मैं इनका मुर्शिद हूँ और ये मेरी तकरीरों का ये सिला मिला है माशाल्लाह। आप जितनी हो सके उतना ऊंची बोले। जो शरीयत है उसको इश्क़रास करता है, ये आशिक के रसूल हैं जी, बिल्कुल। इनको मैंने कहा है कि मदीना बनाओ और काबा बनाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ियारत करेगा उतना ही सवाब मिलेगा जी। आपने ठीक किया काबा बनवाया, मतलब मैं जब वहाँ पे थी ना, मुझे इतना मतलब मुझे एक तो इन साइड में मुझे पेन हो रही थी, मैंने कहा मतलब ऐसी फील हो रहा था जैसे वाकई मैं अपने अल्लाह के घर के पास खड़ी हूँ। वो हटा इंसान चरखा है, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये निशानी है कि पूरी भाई चरखा काटा, जब तूफान आया वो बच गए। आप थोड़ा सा इधर को मुंह करें जी, तो बताएं। चरखा है, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की निशानियां यादगार है, एक बूढ़ी माई ने चरखा काट रही थी, जब तूफान आया तो वो बच गई जी। जी वो बच गई। जो मस्जिद अक्सा का आपने तस्वीर देखी है, वो मस्जिद अक्सा है, वो मदीने में, मदीने को सीधा रास्ता जाता है, मदीना और काबा इनके दरमियान में सीधा रास्ता जाता है। ये वही नक्शा जो अरब वाला है, उन्होंने वही नक्शा छापा है, और मैं इनको बताता रहा हूँ और ये काम करते गए हैं, इनको बहुत इश्क पैदा हुआ है मेरी तकरीरों में, माशाल्लाह ये सिला मुझे मिला माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा सिला तो मिले आपको, हमारे नबी राजी हो जाए, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या है? हमारे नबी तो वो है जो आखिरत में भी हमारी सलामती के लिए दुआ कर रहे होंगे। तो ये है हमारे नबी की उम्मत, जो अपने नबी से, हमारे नबी से इतना प्यार करती है। तस्लीम करो ताकि तो बस, थैंक यू सो मच। अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, भाई सबने इतना प्यार दिया, मतलब अब मैं चलती हूँ। नहीं भाई, थैंक यू सो मच। कौन सा चैनल है? तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग। भाई मेरे इतना प्यार करे, मैंने कुछ भी नहीं खाना, आपका प्यार। तैयबा आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग।
हम भाई खा पी के आए हैं अब। नहीं नहीं भाई, तो बस ये सब मैंने दिखा दिया, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच भाई, अभी मैं आती हूँ बाहर। मम्मा कहाँ से? भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब आपने ये सब कुछ करवाया है? क्या यार, नहीं चैनल निकाल देंगे, स्कूटी मारो ना बेटा, तो खड़ा है, मैं स्कूटी रोक लाई। मम्मा आप वीडियो बनाए हमारी? मुझे पता है, मैं सेट कर दूँ। तो मतलब आपने ये सारा कुछ मैनेज करवाया? थोड़ा सा ऊंची बोले, आवाज नहीं अंदर जा रही। बताता हूँ, साथ काम भी करता हूँ, आवाज नहीं अंदर जा रही। इसका काम मैं बताता भी हूँ, और कोई पॉइंट नहीं आता ना, वो भी बताता हूँ और साथ में काम करवाता हूँ। मतलब ये सारा काम करवाते हैं, उनको बताते हैं कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, मतलब चीज में जो है वो नयापन आ जाता है, मतलब वो अगर कोई गलती हो तो ये सब कुछ मैनेज करते हैं उनको, वो काम है मेरे भाई का। तो चले ठीक है भाई, आपने भी चैनल को देखना है, ये वीडियो अंदर आएगी, आप सबकी मेहनत जो है वो मैं अंदर दिखा रही हूँ, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो देखेंगे और कमेंट करना है, मतलब मेरे सब भाइयों ने इतनी मेहनत की है, आपको कैसा लगा आपने ये बताना है। सब कुछ छोड़ के जो है ये मैंने आपको सारा दिखाया, कोई झूले वगैरह नहीं लिए, तो बस आपने भी साथ इसी तरह से बने रहना। हम चलते हैं, सबको रोक दिया सर, चले मम्मा, थैंक यू सो मच, अगली दफा फिर आएंगे, हर दफा हम बनाते आएंगे। चले मम्मा जी, मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। अभी मेरी आप यहाँ सबने मतलब झूले वगैरह ले लिए और मैं अकेली, अपलोड ये अभी नहीं होगी, इतनी भी जो है वो सिग्नल नहीं आते, मैं एडिटिंग आज ही कर लूंगी, कल नहीं तो परसों तक आ जाएगी। ठीक है सर, मेहरबानी। तो चले मम्मा जी, जी कोई बात ओ एम जी, मेरे सारे भाई बहुत सपोर्टिव थे, सबने बहुत प्यार दिया, तो अभी ये सब कुछ दिखा के मैं आपको लाइव अंदर जाके मैंने दिखाया, अब जा रही हूँ। चले मम्मा, इस वक्त आप ही लोग पता नहीं किधर हैं, हम उनके पास जाते हैं। मम्मा आपको टेंशन तो नहीं हो रही थी? मैंने कहा मेरी मम्मा टेंशन ले रही होंगी कि मेरी बेटी जो है वो आदमियों के पास खड़ी है, क्योंकि फिर पापा डांटते हैं ना, पापा को नहीं अच्छा लगता कि मेरी बेटी आए वहीं किसी के पास खड़ी हो जाए, तो वो सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए मैंने उनको दिखाना था। आखिर उनको उनको अपने नबी से इतना प्यार है, और उनका जज्बा जो है वो उनकी मेहनत ही मतलब सारी जाहिर कर रही थी, एक एक छोटी चीज़ में इतनी नफासत थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये थी उनकी मोहब्बत जो उन्होंने एक एक चीज में इतनी नफासत लेके आए। वो जो कि मुझे मारते हुए यहाँ से गुजरी है, मेरे सर में आके ऐसे करके लगी है, कोई बात नहीं, इग्नोर। तो यहाँ पे लोग जो पिक्चर्स बना देते हैं, और ये चीज आ गई है जिसमें अभी हम छुपने वाले हैं, देखा हम लुक गए हैं, ये मेरी थोड़ी सी पंजाब। मम्मा वो अंधेरा इतना ज्यादा, मैं क्या कर सकती हूँ। अभी आ गया, हम लाइटम लाइटम होने वाले हैं, हो गए हो गए हो गए हो गए, अंकल जी जल्दी साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ जी, आ गई ना लाइट। मम्मा थैंक यू सो मच, मम्मा आपकी वजह से आज मेरी वीडियो बन गई। तो ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे रश ही बहुत ज्यादा है, वाओ ये चीज देखे कितनी प्यारी है ये। मैं इधर को आ जाऊँ, तो ये भी औरतों ने मेरे ख्याल में हैंडमेड बनाया।
सपोर्ट करती है, तो ये सारे उनके हैंड के बने हुए हैं। आ रहे हैं मम्मा अंदर? आ रहे हैं।